हेलो, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज मैं क्या करूँगा, आपको फुकेट का एयरपोर्ट दिखाऊँगा, क्योंकि मैं बैंकॉक वापसी जा रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं क्या करता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ और आपको वहाँ जाके एयरपोर्ट दिखाता हूँ। तो जैसे अभी मैं रीच कर गया हूँ और अंदर का व्यू काफ़ी ही, मतलब हमारे जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट हैं ये, यानी कि फुकेट का एयरपोर्ट है तो उससे बड़ा है, बैंकॉक एयरवे तो और ही बड़ा है, जिसका नाम है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। अच्छा, अगर आपके पास कोई यूएस एड है, अगर आप उन्हें कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो आप इजीली यहां से कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट ले रहे हैं, यानी कि फुकेट से पाकिस्तान या इंडिया, दिल्ली, कहीं किसी भी जगह जा रहे हैं तो आप यहां से इजीली कर सकते हैं। और इनके पास वेस्टर्न यूनियन का ऑप्शन भी था। उसके अलावा यहाँ पे, क्योंकि अभी अभी मैं आया हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, और फुकेट का ये होता है रश आवर जो होता है वो नून के बाद शुरू होता है, क्योंकि लोग आते हैं अपना, क्योंकि लोग घूमने के लिए आते हैं तो अपना सुकून से रिलैक्स होके फिर वो दिन के टाइम निकलते हैं। और जैसे कि थाईलैंड का मतलब ही है एलिफेंट, या जिसे ये लोग चैंग कहते हैं, तो यहाँ पे हर जगह आपको यही ब्यूटीफुल जो इनकी मतलब थीम बेस हैं एलिफेंट और इनका जो एक फूल है, तो वो हर जगह आपको दिखेगा और काफ़ी फैसिनेटिंग होता है, यानी कि मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा। तो उम्मीद है, जाहिर सी बात है, आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप इस तरह की ब्यूटी की तलाश में आएंगे तो। हेलो, दिस इज ऑल इन द फुकेट एयरपोर्ट इनसाइड। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू, इफ यू आर क्विक और इफ यू लाइक सम क्विक चेक इन एंड वांट टू गेट सेल्फ बोर्डिंग पास, I'm gonna show you how to get stuff. तो अभी मैं क्या करता हूँ, फ़ौरन जल्दी से जाके ना चेक इन शुरू करता हूँ और उसके बाद इनसाइड का व्यू देखेंगे, आउटसाइड का, क्योंकि सबका ऐसे होता है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इधर ये दिखाने के बाद मैं आपको ले कर चलूँगा उस तरफ। और यहाँ पे क्या है कि ये जो मशीन है इसका भी मैं आपको बताता हूँ, सेल्फ चेक इन का। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप अपना पासपोर्ट लगाएं और बोर्डिंग पास, यानी कि सेल्फ चेकिंग कर सकते हैं। बोर्डिंग पास आप अपना यहाँ से ले सकते हैं अगर आपने वर्जन एयरलाइन से किया। उसके अलावा मैं अपनी फ़्लाइट ढूंढता हूँ। जी, मुझे फ़्लाइट अपनी मिल गई है, WE जो बैंकॉक जा रही है। तो मैं इसके ज़रिए क्या करने लगा हूँ, बैंकॉक जाने लगा हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर स्टे करूँगा। बाय बाय, बहुत ही अमेजिंग। तो अभी जैसा कि दिख रहा है कि एयरपोर्ट पे काफ़ी सारा मतलब सुकून है और यहाँ से अच्छा ड्यूटी फ्री आइटम मिलते हैं। ड्यूटी फ्री आइटम का फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप बाहर से मतलब परचेज करते हैं तो आपको ऑन बोर्ड करना पड़ता है, लेकिन इसको आप मतलब जाहिर सी बात है आप इन्हें जितना भी परचेज करेंगे आप ले के अंदर जा सकते हैं बहुत ईजिली। तो जो जो आपको आइटम चाहिए वो भी आप ले सकते हैं। It's working. $2. Yeah. How much baht? 70 baht, please. अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अच्छा इनसाइड जो है ना इसका बड़ा है, क्योंकि ज़्यादातर जो होती है ना फ्लाइटें, अब हमारे यहाँ तो ये होता है कि हमारा एक बंदा जा रहा होता है तो 10-10 उसके पीछे छोड़ने आते हैं, लेकिन इनका ऐसा नहीं होता। तो ये हमारा सिस्टम इनका और इनका काफ़ी डिफरेंट है। इनसे मैं सिर्फ थाई लोग ट्रैवल नहीं कर रहे होते बल्कि US, कैनेडा, ईच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि फुकेट आए होते हैं तो इसलिए वो लोग क्या कर रहे होते हैं, जब सफ़र कर रहे होते हैं तो उनका ये होता है कि वो मतलब ऑब्वियसली वही लोग ही होते हैं जो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अंदर होते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, क्योंकि अब टाइम हो गया है अलविदा कहने का फुकेट एयरपोर्ट को, और जो फुकेट की वीडियो है मैं इन द वीडियो में लगा दूंगा, आप सब लोग उस वीडियो को लाजमी देखें। और मैं फ़ौरन जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि अगर मेरी फ़्लाइट मिस हो गई तो मेरा बजट जो था वो बिल्कुल ही टाइट बजट था, और मतलब इतना भी टाइम नहीं था, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, लेकिन जाहिर सी बात है।
चलें जी, तो अभी मैं आ गया हूँ बादलों के बीचों बीच, और उम्मीद है कि आपको मेरा सारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और बाकी भी यकीनन आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगेंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको कोई दोस्त घर बैठे बैठे बोर हो रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर भी कर दें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।